काश्मीरी तरुणाला जीपला बांधून त्याचा उपयोग ढालीसारखा केल्याचा या सगळ्यामुळे चर्चेत आले होते ते म्हणजे मेजर गोगोई. आणि आता त्यांनी या संदर्भात मौन सोडलंय. दगडफेकीपासून बचाव करण्यासाठी काश्मीरी तरुणास जीपला बांधून त्यांना ढालीसारखा वापर करणाऱ्या मेजर लितुल गोगोई यांनी अखेर आपलं हे मौन सोडलंय. निवडणूक अधिकारी आणि सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस यांना सुमारे 1200 जणांच्या जमावानं घेरलं होतं. मी तरुणाला जीपला बांधलं नसतं तर जमावाच्या हल्ल्यात अनेकांचे प्राण गेले असते असे मेजर गोगोई यांनी म्हटलंय. मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूँ तो मुझे अपने सबोर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है. तो बिना सोचे समझे मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था. तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाज़ा है. तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है. तो वो पीछे मुड़ के भागने का कोशिश किया. तो इसी दौरान वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया. डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा. तो जिसका नाम फारूक अहमद दार था जो कि चील का रहने वाला था और ये इंसिडेंस उटली गांव में हुआ था जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये. तो इसको पकड़ते हुए जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहाँ पर उटली गांव में बाइलेंस बने हुए तो बाइलेंस के अंडर में भीड़ घुस गया. तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा जो कि उटलीगाम पुलिंग स्टेशन की तरफ. तो वहाँ पे मुझे एक ITBP का माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला. उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पुलिंग स्टेशन पहुँचे. वहाँ पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल JKP का और 7 ITBP को बचाया और उनको मैंने वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाया और माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल तक लेके आया. फिर वहाँ से हम पैदल चलना शुरू किया. इसी दौरान मेरा माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था. तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया. तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा. इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है. फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा क्योंकि ताकि फायर ना खोले. फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज़्यादा हो सकता था क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियाँ भी था, वुमेंस भी था. और मैं आपको ये भी यकीनन बता देता हूँ जब हम उटलीगाम पहुँचे थे तो जो वो भीड़ था 1200 लोग उनमें से लेडीज़ और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों के छत से. तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहाँ पे तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था. तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके. तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके. तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना. तो इसी दौरान हमें एक दरवाज़ा मिला जहाँ से हम सेफली निकल सकें. I don't want to join any issue. This brave army officers saved the lives of many polling officers who were under imminent threat of being killed. That's what he has done. And surely we are proud of that. But all those who are asking questions about this brave army officers, I have to ask a counter question. Why they were silent when another brave Kashmiri army officer Lieutenant Fayyaz was killed in Pulwama? Did any one of them condemn it? That is not fair.